हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपिका और आप हैं हमारा चैनल दीपिका किचन पे। तो आज मैं आपके साथ रुआबजा बनाने की सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। रुआबजा बनाने के चम्मच चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ले सकते हैं, और पुदीने के पत्ते, एक नींबू और 4 ग्लास पानी, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए रुआबजा बना रही हूँ। अब मैं लूँगी रुआबजा, 1 ग्लास के लिए मैंने 3 चम्मच रुआबजा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच चीनी। 1 ग्लास के लिए मैंने 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आइए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैं आइस क्यूब को ग्लास में बारी बारी से डालूँगी। आइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। उसके बाद अब हम इसमें रुआबजा डालेंगे। सारे ग्लास को बारी बारी से भर देंगे। भरने के बाद अब हम इस पे नींबू के स्लाइस से इसको अच्छे से गार्निश करेंगे, पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। पुदीने के पत्ते गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये तैयार है हमारा रुआबजा। आप इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।